खरगोन के बड़वा में उस समय हड़कंप मच गया जब पानी की टंकी से बड़ी संख्या में सांपों का जखीरा निकला, जिसे एक्सपर्ट की मदद से रेस्क्यू कर सांपों को जंगल में छोड़ा गया। हम आपको बता दें कि निर्माणाधीन मकान की टंकी में सांप की सूचना मिलने पर वन्य प्राणी संरक्षक टॉनी शर्मा ने एक एक करके ढाई दर्जन से अधिक सांपों को बाहर निकाला, जबकि घटना के बाद सभी रहवासी घरों में अपनी टंकियों की जांच करने में जुटे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सांप निकलने की बात का खुलासा करके टॉनी शर्मा ने बताया कि सांप की ये प्रजाति एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पृथ्वी राठौर साहब का फोन आया जो सुरानागर में रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि हमें टंकी के अंदर काफी सांप दिख रहे हैं हम लोगों को, तो उनकी सूचना फिर हम यहाँ सुबह टीम लेकर आए, मेरे साथ यश राणा भी आए थे। तब हम लोगों ने यहाँ आकर देखा, टंकी में मुआयजा किया, तो वहाँ करीबन 2-3 सांप हमको दिखे शुरू में, और उनको कॉमन चेकट बोलते हैं जो कि पानी के सांप होते हैं, इनको डेंडू अपनी चालू भाषा में डेंडू बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्क्यू चालू करा, तो एक दो करके हमने करीबन 32 वाटर स्नेक निकाले यहाँ से, और काफ़ी टंकी काफ़ी गहरी होने के कारण अभी भी शंका है कि उसमें कुछ सांप बाकी हैं, और इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करके हम लोगों ने पानी वाले स्तर पर छोड़ दिया गया। एक ही जगह से इतने ज़्यादा सांप मिलना क्या कारण मानते हैं? एक्चुअली ये क्या होता है, टंकी में या तो कोई आसपास पाइपलाइन या नाली होने के कारण ये वहाँ इकट्ठे हो गए थे, उसके कारण यहीं उन्होंने ब्रीडिंग करी और वहीं पे इकट्ठे काफ़ी संख्या में मिले। ये अब इनको सुरक्षित वन क्षेत्र में या फिर पानी वाले स्रोत में छोड़ दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।